अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू FSC पार्ट टू मैथमेटिक्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर से हम चैप्टर वन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर वन है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। हम डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। इस डिपेंडेंस को शो करने के लिए हम फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार डिपेंड्स ऑन टाइम। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। सो वी से दैट डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी तरह किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन जो है, आबादी है, वो भी टाइम पे डिपेंड करती है। सो पॉपुलेशन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी भी फंक्शन को इक्वेशन या मैथमेटिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द फार्मूला ए इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पे एरिया जो है, सो एरिया ए ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। सो वी कैन से दैट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। सो ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। और अगर हम आर को यहां पे डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं, आर की जगह डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएं, तो हमें ए की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पे आर की जगह वन सब्स्टिट्यूट कर दें, सो ए विल बी इक्वल टू पाई इंटू वन स्क्वायर। और अगर हम पाई को 3.14 ले लें, सो 3.14 इंटू वन स्क्वायर, तो 3.14 आ जाए। इसी तरह अगर हम आर को 2 ले लें, तो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2 स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू 12.56। और इसी तरह सपोज अगर हम आर को 10 ले लें, सो ए विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 10 स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू 314। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर की हर एक वैल्यू के लिए हमें ए की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे आर की हर एक वैल्यू ए की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, ज्वाइन हो रही है। सो हियर ईच वैल्यू of R corresponds to exactly one value of A। इसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन ले लें, फॉर एग्जाम्पल y equals 2 टाइम्स एक्स। इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। तो है, तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो हेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे भी अगर हम x की जगह डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएं, हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। सपोज यहां पे अगर हम x को 1 प्लग इन कर दें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स 1, विच इज इक्वल टू 2। इस तरह अगर हम x को 2 प्लग इन कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 2, विच इज इक्वल टू 4, एंड सो ऑन। तो यहां पे भी x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे भी x की हर एक वैल्यू y की एक सिंगल वैल्यू के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगी। So each value of
ऑफ एक्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई. सो फंक्शन जो है वो कोई से भी दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगी कि जिसमें एक वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए हमें दूसरे वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिक वैल्यू मिलेगी. तो फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सो अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस विच असाइंस to each element x in a set capital X to a unique element y in a set capital Y. So हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कोई से भी दो सेट्स के दरमियान एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, ये ऐसा कोई रिलेशन होगा जिसमें फर्स्ट सेट के X के हर एक एलिमेंट के लिए Y में हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी. जिस तरह के यहाँ पे हमने देखा, तो हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ए इज फंक्शन ऑफ आर. इसी तरह यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू टू एक्स में हमें एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है. तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो हम फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ a variable y depends on a variable x in such a way that for each value of X there is one and only one value of Y then we say that Y is a function of X. And we write it as Y equals F of X. So this is, इसको हम इस तरह रीड करेंगे, Y is equal to f of x. तो ये नोटेशन है फंक्शन की. तो y is a function of x. और इस नोटेशन को सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ऑयलर, स्विस मैथमेटिशियन.
y equals f of x, y is a function of x. इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और a इज फंक्शन ऑफ r, तो हम इसको फंक्शन नोटेशन में लिख सकते हैं. सो हेयर a इक्वल्स f ऑफ r. सो एरिया a इज फंक्शन ऑफ r. तो फंक्शन में ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. हेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. इसी तरह इस फंक्शन में हमारे पास r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो फंक्शन बेसिकली कोई से भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज में एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें एक वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए दूसरी वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू मिलती है. अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं. तो जैसे कि हमने देखा कि फंक्शन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन है या कॉरेस्पॉन्डेंस है, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. तो एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इक्वेशन के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाते हैं और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज आते जाते हैं. इसको हम कहते हैं कि फंक्शंस. तो इस तरह हम फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करते हैं. तो फंक्शन को हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ कंप्यूटिंग मशीन. तो फंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन के तौर पे कैसे हम ले सकते हैं कि सपोज सो दिस इज अवर फंक्शन. तो फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज इनपुट्स हैं और आउटपुट हमारे पास होगा f ऑफ x. यानी फंक्शन क्या करेगा, x की हर एक वैल्यू को एज एन इनपुट लेगा और उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन या फार्मूला उसको ऑपरेट करेगा और हमें जो आउटपुट देगा वो होगा f ऑफ x, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट इनपुट. तो ये हमारा आउटपुट होगा. यानी कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर, तो ये फंक्शन है, फंक्शन f है, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 प्लग इन कर दें तो जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा f ऑफ 1. इसी तरह अगर हम x को 2 यहां पे अगर हम प्लग इन कर दें तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा f ऑफ 2 एंड सो ऑन. इसी तरह इन जनरल अगर हम x की कोई भी वैल्यू सपोज t वैल्यू यहां पे प्लग इन कर दें तो जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा f ऑफ t. तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या x की जो भी वैल्यू हम फंक्शन में प्लग इन करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा f ऑफ दैट वैल्यू होगा. बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जब x 1 है तो हमने फंक्शन के अंदर f ऑफ x मींस
कि फंक्शन के अंदर x को 1 से रिप्लेस कर देना है। इसी तरह जब x 2 है तो हमने फंक्शन के अंदर x को 2 से रिप्लेस कर देना है। इसी तरह अगर हम कोई भी वैल्यू x की वैल्यू सपोज t हो तो हमने फंक्शन के अंदर x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन ये कंसिडर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 2 टाइम्स एक्स है, ये इक्वेशन फंक्शन है। तो यहां पे हम एक्स की जो भी वैल्यू लेंगे वो यहां प्लग इन करेंगे, तो जब हम एक्स की जगह यहां 1 प्लग इन करेंगे एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 व्हिच इज 2। इस तरह एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो यहां एक्स की जगह हम 2 प्लग इन कर देंगे, एफ ऑफ 2 इज 2 टाइम्स 2 व्हिच इज 4। इसी तरह अगर हम x की जगह t प्लग इन कर दें f ऑफ t विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t व्हिच इज इक्वल टू 2t। तो हम कुछ भी यानी जो भी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमने फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह प्लग इन कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हो यहां पे हो t प्लस 1, तो t प्लस 1 विद दिस फंक्शन व्हाट इज f ऑफ t प्लस 1, तो t प्लस 1 मींस कि अब हमने इस फंक्शन में x को t प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है, तो इट इज 2 टाइम्स t प्लस 1 जिसको हम एक्सपेंड करें तो 2t प्लस 2 इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनपुट वैल्यूज दी होंगी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्स की वैल्यूज दी होंगी और उनको उठा के हमने फंक्शन के अंदर एक्स होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी जगह प्लग इन कर देने, हमने एक्स को उन वैल्यूज से रिप्लेस कर देने, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। तो आइए अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गिवेन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1, फाइंड नंबर 1 एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ नेगेटिव 2, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। तो यहां पे हमें इस फंक्शन को एवेल्युएट करना है गिवन वैल्यूज पे। चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 मींस कि अब हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स को रिप्लेस कर देना है 0 से। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1। सो फॉर एफ ऑफ 0, इस 0 को उठा के हमने यहां पे x की जगह प्लग इन कर देना है, x को 0 से रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 0² प्लस 4 टाइम्स 0 माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ 1, अब हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स को 1 से रिप्लेस कर देना है, तो जहां जहां एक्स है यहां आपने 1 प्लग इन कर देना है, तो एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1² प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। और इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट एफ ऑफ नेगेटिव 2, अब हमने एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देना है नेगेटिव 2 से, सो नेगेटिव 2 क्यूब
माइनस टू टाइम्स नेगेटिव टू स्क्वेर्ड प्लस फोर टाइम्स नेगेटिव टू माइनस वन, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा माइनस एट माइनस एट माइनस एट माइनस वन विच इज माइनस 25। इस तरफ फोर्थ पार्ट, सो एफ ऑफ वन प्लस एक्स। तो यहां पे अब हमने ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह अब हमने वन प्लस एक्स प्लग इन कर देना है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स होल क्यूब। यहां पे हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं वन प्लस एक्स से, माइनस टू टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वेर्ड प्लस फोर टाइम्स वन प्लस एक्स माइनस वन, और इसको अगर हम एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला से तो ये कुछ बनेगा वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू टाइम्स, और यहाँ पे हम स्क्वायर को एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें फोर प्लस फोर एक्स माइनस वन, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें और सो दिस इज इक्वल टू सो वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू को यहां अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स माइनस वन प्लस फोर प्लस फोर एक्स माइनस वन, तो ये क्या होगा, इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें एक्स की, एक्स क्यूब्ड प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर, तो दिस इज एक्स स्क्वेयर्ड। नाउ एक्स टर्म्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एक्स एंड प्लस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर एक्स इज थ्री एक्स, वन माइनस टू इज माइनस वन, माइनस वन प्लस फोर इज थ्री एंड थ्री माइनस वन इज टू, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ वन प्लस एक्स। नाउ लास्ट पार्ट, अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 1 ओवर x, इट मीन्स अब हमने यहां पे x को रिप्लेस कर देना है 1 ओवर x से, सो दिस बिकम्स 1 ओवर x क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 ओवर x स्क्वेर्ड प्लस 4 टाइम्स 1 ओवर x माइनस 1, सो विच इज इक्वल टू 1 ओवर x होल क्यूब्ड इज 1 ओवर x क्यूब्ड माइनस 2 टाइम्स 1 ओवर x होल स्क्वायर्ड इज 1 ओवर x प्लस 4 टाइम्स 1 ओवर x इज 4 ओवर x माइनस 1, सो इसको हम फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर x क्यूब्ड माइनस 2 ओवर x प्लस 4 ओवर x माइनस 1, सो दिस इज f ऑफ 1 ओवर x। तो आज के लेक्चर में हमने फंक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर हमने फंक्शन नोटेशन और फंक्शन की वैल्यूज को डिस्कस किया, तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन की डोमेन रेंज और फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।